सोमवार को भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने युवा मोर्चा से जुड़े नेता और सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय प्रताप सिंह के नाम की घोषणा की। उन्हें ठाकुर द्वारा से भाजपा का टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने ठाकुर द्वारा से उम्मीदवार बदला है। अजय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले भाजपा जिले की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। अजय को ठाकुर द्वारा से प्रत्याशी बनाए जाने के साथ ही भाजपा की सभी 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी अजय प्रताप ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। जब से मैंने पहले मैं यूएस में था, उसके बाद जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री घोषित हुए थे, उसके बाद लगातार मैं क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मैंने राष्ट्रीय आईटी टीम में काम किया 2-3 महीने, जो बार रूम बना था शुरू में जब मोदी जी आए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे जिले के उपाध्यक्ष के रूप में काम करा, युवा मोर्चा जिले की कार्यकारिणी में रहा, बहुत सारी रैलियों में प्रभारी रहा, और फिर अभी लगातार संघ में मैंने प्रथम वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता हूँ, और लगातार उसमें जो भी जिले के या कोई भी प्रदेशी कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो उसमें लगातार रहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी यूएस में क्या करते थे भैया? यूएस में भैया जॉब करता था मैं। अच्छा अच्छा जी, तो क्या ऐसा सुना है कि आप इंजीनियरिंग करे हुए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मेरी क्वालिफिकेशन बीटेक है। बीटेक मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय से किया, जो एशिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से मैंने बीटेक किया। जो पार्टी ने विश्वास किया है आप पे, उसमें क्या कहना है आपको? पार्टी ने कार्यकर्ताओं को मौका दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ का एक एक कार्यकर्ता अपने पूरे मनोयोग से इस बार विधानसभा में कमल खिलाए। अजय ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी से टिकट मांगा था। अजय प्रताप भाजयुमो जिला उपाध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। भाजपा से पिछले 2 चुनाव में प्रत्याशी रहे, वर्तमान जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान से उनकी अदावत रही है। 2017 में भाजपा ने राजपाल सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया था। राजपाल सिंह सपा के नवाब जान से चुनाव हार गए थे। अजय प्रताप सिंह वर्तमान समय में काशीपुर में रहते हैं, जबकि मूल रूप से नारायणपुर के रहने वाले हैं। ठाकुर द्वारा सीट पर उनका मुख्य मुकाबला वर्तमान विधायक व सपा विधायक नवाब जान खान से होगा। इसके अलावा बसपा से मुशाहिद अली भी इसी सीट से प्रत्याशी हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार बनाया है।